व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज का लेक्चर बड़े ही शानदार इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए हमारी कंट्री में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोग पाए जाते हैं। वेजिटेरियन आप लोग किसी भी रीजन से बोल सकते हैं, किसी के खुद के अपने रीजन होते हैं, कोई रिलीजन को रीजन मानता है, कोई बोलता है घर वाले नहीं खाने देते, कोई बोलता है वाइफ नहीं खाने देती, कोई बोलता है मम्मी पापा नहीं खाने देते, वो सबके अलग अलग रीजन है। पर लेकिन हमारी कंट्री में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोग पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे इसराइल है और तीसरे नंबर पे है इटली। ये तो हो गई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। इंटरेस्टिंग चीज क्या है आज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, मतलब शाकाहारी है मांसाहारी है, और अपनी सबसे इंटरेस्टिंग जो फेवरेट डिश है इसके साथ में, शाकाहारी है तो कौन सी और मांसाहारी है तो कौन सी, वो नीचे आप लोगों को बताना है। कौन सी डिश सबसे ज्यादा पसंद करते हैं आप लोग, कौन सी मतलब कोई भी जो भी आप लोगों के रिलेटेड सबसे ज्यादा आप लोगों को लगता है ये सुनते यार मुंह में पानी आ जाता है, ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 9th मार्च है, देख लेते हैं। नैनो मैगजीन के तहत पीआईबी देखेंगे, योजना देखेंगे, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज देखेंगे, प्रीलिम्स के फैक्ट देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, और जो कल क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर भी देखेंगे। काफी शानदार लेक्चर रहने वाला है, आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और देखिए शर्माइएगा मत नीचे बताते हुए, ठीक है, कोई अगर मांसाहारी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर नॉनवेज, अगर आप लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आपकी खुद की चॉइस है, हर एक इंसान इंडिपेंडेंट है। और अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो भी उसकी चॉइस है, तो उसको टेंशन लेके नहीं बताना कि यार पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, बस ऐसी एक फन की एक्सरसाइज है। अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, फंडामेंटल राइट आपके हाथ में है। ओके, आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले पीआईबी और ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर आप लोग देखते हैं, अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया AWBI, इनका पहले हेडक्वार्टर हुआ करता था चेन्नई में, अब इसका हेडक्वार्टर ट्रांसफर कर दिया गया है। कहां से? चेन्नई से कर दिया है, हरियाणा में, यह है बल्लभगढ़। तो इसका नाम आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं, इस तरीके की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कई बार पूछ ली जाती है, क्वेश्चन पूछ लेंगे आप लोग पहले हेडक्वार्टर कहां था, अब कहां हो गया है, तो अब हो गया है बल्लभगढ़ में, ठीक है, पहले हुआ करता था कहां पर, चेन्नई में। ओके, इसके अलावा आप लोग देखते हैं क्यों किया गया ऐसा, ये बोला जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड द फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज के साथ में कहीं ना कहीं के कॉन्सेंट्रेशन यहां पर देखने को मिलेगी, एक मतलब देखिए मैक्सिमम मिनिस्ट्री इस तरीके आप लोगों को दिल्ली में देखने को मिलेंगी, सो आराम से चीजों को डिस्कस किया जा सके और आराम से कोई भी प्लान उनका है तो उसको इंप्लीमेंट किया जा सके, इस तरीके एक्टिविटी आप लोगों के सामने यहाँ पर नजर आएगी। नॉर्मली आप लोग देखते हैं जब हम लोगों ने कई बार आर्टिकल भी डिस्कस किया था जल्लीकट्टू के बारे में, जो कि तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, और भी कई सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर पिक्चर में क्या आता है निकल कर, तब आता है एनिमल वेलफेयर बोर्ड। तो ये करता है कि कोई भी क्रुएल्टी अगर होती है, कोई भी अत्याचार अगर जानवरों के ऊपर होता है, तो तब ये बोर्ड यहाँ पर पिक्चर में आता है, तो इसलिए काफी न्यूज में भी था ये जल्लीकट्टू का, ले सकते हैं आप लोग। तो इस तरीके से इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर। ओके, इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा बेटर यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके, इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है ट्रांसफर्म इसको किया गया है। इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1962 में किया गया था, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू द एनिमल एक्ट 1960 के तहत इसको यहाँ पर बनाया गया था। और आप लोगों को पता होना चाहिए ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी कौन सी होती है, वो होती है जिसको हम लोग पार्लियामेंट में ला के थ्रू पास करके बनाते हैं, ठीक है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में कुछ नहीं लिखा होता है इसके बारे में, उसको स्टैच्यूटरी बॉडी हम लोग बोल देते हैं। इसके अलावा आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात और यहाँ पर थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इनिशियली अगर आप लोग इसको देखेंगे ये पहले आया करता था मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड द एग्रीकल्चर के अंडर में, पर लेकिन 1990 में इसको ट्रांसफर कर दिया, वहां से 1990 में इसको ले आए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज के अंडर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और देखिए कई बार इस तरीके की बातें आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन डाल सकती है अगर आप लोग एग्जाम में पहुंचेंगे। यहाँ पर एनिमल वेलफेयर बोर्ड का अगर एक बार को बात करें ना, तो फूड एग्रीकल्चर में एक बार को बोल सकते हैं, पर लेकिन एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो इस तरीके थोड़ा डिफरेंट जो पॉइंट है आप लोग उनको याद रखिएगा, ठीक है। बोल देंगे कोई और दूसरी मिनिस्ट्री का नाम ले देंगे यहाँ पर कि पंचायती मिनिस्ट्री के अंडर आता है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसमें अगला फोकस देकर चलेंगे तो आप लोग इसको थोड़ा सा माइंड में सेट कर पाएंगे। इसके अलावा 28 मेंबर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे और यहाँ लगभग जो इनका टाइम पीरियड होता है 3 साल होता है, 3 साल में यहाँ पर चेंज होते रहते हैं। तो ये था इंटरेस्टिंग फैक्ट, आइए आज का डिस्कशन आगे लेकर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं अब आप लोगों को सुगत यात्रा मिलेगी, मतलब आप लोगों की यात्रा में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोग किसी रास्ते पर जा रहे हैं, रास्ते पर कोई खड्डे हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा, रास्ते में कहीं जाम लगा हुआ है लंबा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं, रियल टाइम में आप लोगों को डेटा मिलेगा। रियल टाइम में क्या मतलब है, रियल टाइम में मतलब है जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम कहीं फेस कर रहे होंगे आप लोगों को तुरंत पता चलती रहेगी, जिस टाइम वो प्रॉब्लम होगी उसी टाइम आप लोगों को पता चल जाएगी। जिस तरीके से आप लोग ट्रेन ट्रैक नहीं करते हैं, आप लोग कोई भी चीज ट्रैक करते हैं तो ट्रैकर लगा के आप लोग देखते हैं उसको कि
हाँ रियल टाइम में क्या सिचुएशन चल रही है, तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। ऐप का नाम याद रखते हैं सुरक्षा यात्रा ऐप। ओके, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस ऑथोरिटी के द्वारा ये बनाया गया है, प्रिपेयर किया गया है, तो नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आप लोग देखें यहाँ पर कोई भी, अगर मान लीजिए कोई आप लोगों को दिखेगा यहाँ पर कोई भी गड्ढा वगैरह है या फिर जैम वगैरह लगा हुआ है रास्ते में, तो सारी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी इस ऐप के थ्रू। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को एक आर्टिकल पढ़ाया था, लगभग लास्ट टू लास्ट मंथ में, अच्छा खासा टाइम हो गया, वैसे आप लोगों को भूल गए होंगे, फिर भी आप लोगों को याद दिला देता हूँ। हम लोगों ने डिस्कस किया था फास्ट टैग के बारे में, आखिर ये है क्या। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मान लीजिए आज की डेट में आप लोग कहीं पे टोल टैक्स से होकर गुजरते हैं तो वहां पर गाड़ी को रुकना पड़ता है, रुकने के बाद में ड्राइवर जो होता है, जो भी बैठा रहता है, कोई आस पास पड़ोस में जो बैठा रहता है, उसको पैसे निकालकर यहाँ पर पे करने पड़ते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। इसकी वजह से बहुत ज्यादा पेट्रोल वेस्ट होता है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए, लंबी लंबी लाइन और कतारों को रोकने के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा ये एक इस तरह का टैग रहता है, ठीक है, इस तरह का टैग रहता है और ये टैग यहाँ पर शीशे के ऊपर लगा दिया जाता है। और यहाँ पर जब भी टोल टैक्स आता है, इसमें यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं और इसको रीडिंग डिवाइस लगी होती है, तो वो क्या करती है, टैग को एकदम पहचानती है, उसको देखती है, और इसमें से पैसे ये किसी न किसी बैंक के साथ में कनेक्ट रहता है, इसको रिचार्ज किया जाता है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप लोगों का बैलेंस डिडक्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पर ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है और ना ही यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, ना ही पेट्रोल वेस्ट करने की जरूरत है, एक यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 4-5 सेकंड के अंदर आप लोगों का काम हो जाएगा और तुरंत आप लोग निकल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका यूज होता है, तो थोड़ा इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, आइए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इम्प्रिंट सेकंड की। आखिर इम्प्रिंट सेकंड तो बाद में जानेंगे, इम्प्रिंट फर्स्ट क्या था। इम्प्रिंट का आप लोगों को पता होना चाहिए, ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें क्या है, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड द टेक्नोलॉजी, तो ये एक प्रोग्राम था। कौन कौन मिलकर यहाँ पर काम कर रहा था, यहाँ पर ये आता है किसके अंदर में, मिनिस्ट्री ऑफ MHRD के अंडर में, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। आगे क्या बात हो सकती है, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है कौन कौन यहाँ पर इसको मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारी कंट्री में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT जो है और ISC जो है यहाँ पर, ये सारे मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनका एक ज्वाइंट इनिशिएटिव था। आखिर क्या था ज्वाइंट इनिशिएटिव, हमारी कंट्री में एक ऐसा एनवायरमेंट बनाना कि यहाँ पर जो साइंस के स्टूडेंट है, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, जो कॉलेजेस हैं यहाँ पर, उनको इस तरीके से इंपावर करना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी खुद की कंट्री के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस देकर चले और अपनी कंट्री को सेल्फ रिलायंस बनाना। मतलब दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड रहते हैं हम लोग, कुछ भी चीज हो जाए चाहे, अगर बात कर लेते हैं हम लोग कोई भी टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बाहर की कंट्री से हम लोग खरीदने की कोशिश करते हैं कि वहां से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करा लेते हैं तब जाकर अपनी कंट्री में कुछ बना लेंगे। तो उन सब चीजों से बचने के लिए अपनी खुद की कंट्री में हम लोग इतने यूथ हैं, हमारी कंट्री में इतना ज्यादा टैलेंट है, तो उस टैलेंट को उभारने के लिए एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड कराने के लिए ताकि हमारी कंट्री में खुद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, तो उसके ऊपर फोकस यहाँ पर दिया गया था और तब जाकर यहाँ पर ये इम्प्रिंट यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, इम्प्रिंट इंडिया। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखते हैं यहाँ पर, इम्पैक्टिंग रिसर्च एंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, तो याद रखते हैं यहाँ IM ये हो गया, RE हो गया, IN ये हो गया और TA हो गया, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर इम्प्रिंट बन गया। ओके, अब इम्प्रिंट सेकंड की बात कर लेते हैं, आखिर ये सेकंड है क्या। अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके तहत यहाँ पर सैंक्शन किए गए 1000 करोड़, जिसके तहत यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि प्रोग्राम चलाए जाएंगे जिसके तहत यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में अच्छे से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ताकि जो भी मिनिस्ट्री है, हर एक मिनिस्ट्री के अंदर जो भी प्रोग्राम है उसको फायदा पहुंचाया जा सके, ताकि हर एक मिनिस्ट्री को कुछ ना कुछ फायदा इससे पहुंच सके, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा याद रख सकते हैं। ओके, आइए अब आगे चलते हैं, थोड़ी खुशखबरी है यहाँ पर हमारे लिए, यूरोपियन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको बोलते हैं EBRD, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। इंडिया को यहाँ पर इसको ज्वाइन करने के लिए इंडिया को अलाउ कर दिया गया, मतलब इंडिया इसका मेंबर बन गया, कौन सा, 69th मेंबर इंडिया इसका बन गया है। ओके, इससे फायदा क्या होने वाला है हमको, इससे देखिए हमको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, यूरोपियन कंट्री के साथ में अच्छे से हमारे ट्रेड हो पाएंगे, यहाँ पर आने वाले टाइम में हमारी कंट्री में FDI बढ़ती हुई नजर आएगी, FDI बढ़ने से हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती हुई नजर आएगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो बहुत सारे एरिया में हमारे लिए यहाँ पर रास्ते खुलने वाले हैं जैसे हम इसके मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा, जब ये पिक्चर में है तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कौन से नंबर के मेंबर हम लोग बने हैं, तो 69th मेंबर हम लोग यहां पर बने हैं, 68 मेंबर इसमें ऑलरेडी थे। ओके, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट होता है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हमारी कंपनी भी अब यहां पर इसको ज्वाइन कर सकेगी, जो भी इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट इसके द्वारा चलाए जा सकते हैं, तो हमारी कंट्री कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा यहां पर होने वाला है। अब कहीं ना कहीं हम भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर पाएंगे, हमारी ग्लोबल प्रोफाइल भी यहां पर उभरती हुई नजर आएगी, हमको भी सुना जाएगा, हमारे से भी डिस्कस किया जाएगा, अगर कोई वर्ल्ड लेवल पर कोई डिसीजन लिया जाना है तो कहीं ना कहीं हमारी प्रोफाइल यहां पर बढ़ती नजर आएगी। तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, यहां पर यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट फॉर्मेशन किया गया था 1991 में, ठीक है ना। लोकेशन कहां पर है इसकी आप लोगों को देखने को मिलेगी, लोकेशन है यहां पर इसकी लंदन में, प्रेसिडेंट क्या है, यह है सर सुमा चक्रवर्ती,
तो इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टाइप का है, जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कई सारे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर वगैरह आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि इंडिया कनेक्ट हो गया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लंदन में आप लोगों के लिए हेडक्वार्टर है, 69th मेंबर है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। हमारी कंट्री में बहुत सारे बड़े बड़े एयरपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं और काफी बिजी एयरपोर्ट हमारी कंट्री के रहते हैं, हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए और हमारी कंट्री से बाहर की साइड में जो फ्लाइट जाती है उनको देखते हुए। तो बात की जा रही है यहाँ पर, आप लोग देखते हैं यहाँ पर बात की जा रही है ACI, इसको बोलते हैं एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, ठीक है ना। इसके द्वारा यहाँ पर एक आप लोगों को देखने को मिलेगा, सर्वे किया जाता है, उसके तहत यहाँ पर बताया जाता है कौन सी कंट्री में कौन सा जो एयरपोर्ट है वो अच्छा है, कौन सी कंट्री में कौन से एयरपोर्ट पर सबसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, कौन से एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। तो इस तरीके की कई तरीके सर्वे कराए जाते हैं और उसके तहत यहाँ पर एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी की भी बात की जाती है, ठीक है। तो इंडिया की रैंकिंग की बात की जा रही है 2017 की यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हैं दिल्ली, जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको बताया गया वर्ल्ड का नंबर वन एयरपोर्ट बताया गया है, जो सबसे ज्यादा लोगों को हैंडल कर पाता है, 14 मिलियन पैसेंजर यहां पर एनम हर साल यहां पर ये हैंडल करता है। तो ये आप लोग देखते हैं कितना लार्ज स्केल पर यहां पर पैसेंजर आ जा रहे हैं, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ल्ड में, इंडिया की बात नहीं करूं, वर्ल्ड में नंबर वन पे है, पहली बात ये होगी। मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल, SSC और बैंकिंग में तो आप लोगों से डायरेक्ट एयरपोर्ट के नाम पूछ ले जाते हैं, ये एयरपोर्ट कहां पे है, इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। मुंबई का छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा वर्ल्ड में, यहां पर आप लोगों इसकी रैंकिंग देखने को मिलेगी बेस्ट किसके, कस्टमर का एक्सपीरियंस होता है, मतलब जो सेटिस्फाई रहते हैं कस्टमर यहां पर जाने के बाद में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट पर है ये। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, यहाँ पर ये है क्या एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इसको आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये एक एसोसिएशन है और यहाँ पर लगभग 1953 आप लोगों को यहाँ पर मेंबर नजर आएंगे और 176 कंट्रीज के साथ में कनेक्टेड है। ये देखती है एयरपोर्ट की क्वालिटी क्या है, किस तरीके से पैसेंजर को सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है, और टोटल यहाँ पर 34 इंडिकेटर देखती है जिसके तहत पे ये चीजें चेक करती है, मतलब अलग अलग एरिया में किस तरीके का पानी मिल रहा है, किस तरीके के लोग हैं, वहाँ की बातें कैसे की जा रही है, वहाँ पर खाना कैसा मिल रहा है, तो वहां पर चेकिंग कैसे हो रही है, आराम से बातें कैसे कर रहे हैं वहां पर जो मेंबर हैं, तो वो सारी बातें देखी जाती हैं यहां पर, किस तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं सिचुएशंस को ये, ओके। तो आप लोगों को यहां पर नजर आएगा नियरली 74% जो वर्ल्ड के टॉप और 100 बिजिएस्ट एयरपोर्ट हैं वो पार्ट है यहां पर, आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी का, ठीक है। इसके तहत मतलब इतने यहां पर एयरपोर्ट हैं आज की डेट में। लास्ट ईयर की अगर हम लोग बात देखें यहां पर, साउथ कोरिया का सियोल का जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसकी रैंक फर्स्ट थी, ओके। और फॉलो किसके द्वारा किया गया था यहां पर, दिल्ली को, मुंबई और सिंगापुर को। और इसके अलावा सेकंड पोजीशन पर कौन था यहां पर, बीजिंग का हाउकाउ, ये थर्ड पोजीशन पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सेकंड पर थे तीनों और ये थर्ड पर था। लास्ट ईयर की कोई जरूरत नहीं है याद रखने की, अब की साल की याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम के लिए हो सकती है, ओके। आइए आगे चलते हैं, बात की जा रही है नेक्स्ट आर्टिकल में GBI सबमरीन केबल के बारे में। ये है क्या केबल, कैसा केबल है ये आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये आप लोग देखते हैं इंडिया से यहाँ पर केबल बिछाया जाता है, आप लोग देखते हैं यहाँ से यहाँ पर भी जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर भी जा रहा है, अलग अलग कंट्री में ये केबल यहाँ पर जा रहा है। तो बात की जा रही है आप लोग यहाँ पर GBI के बारे में, यह है गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल। तो आप लोग देखते हैं यहां पर ये केबल बिछाया जाता है, किस तरीके से यहां पर सर्विस प्रोवाइड करवानी है उसके लिए, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इस तरीके से केबल फैले हुए हैं, एक सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है अलग अलग एरिया में। तो गल्फ रीजन के बारे में बात की जा रही है, तो इंडिया की जो आम है इस केबल से रिलेटेड वो भारतीय एयरटेल के हिस्से में आई है, भारतीय एयरटेल ने एक्वायर कर लिया उसको, जो गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल केबल सबमरीन है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो डेटा कनेक्टिविटी है, डेटा कैरिंग कैपेसिटी है, उसको कहीं ना कहीं इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा यहाँ पर। एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ है आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो इंडिया का लैग है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा मिडिल ईस्ट, और यहाँ पर आप लोगों को आगे भी चल के चीजें होती है जैसे यूरोप तक पहुंच जाती है चीजें, ठीक है। तो एयरटेल जो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा ये काफी अच्छी कैपेसिटी यहाँ पर बढ़ाता हुआ नजर आएगा मिडिल ईस्ट में और यूरोप में, ओके, GBI केबल के थ्रू। GBI केबल की अगर बात करें तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा प्राइमेट सबमरीन केबल है यहाँ पर, जो कनेक्टिविटी बढ़ाता है गल्फ कंट्री के साथ में और आसपास कंट्री के साथ में कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम करता है। ये GBI केबल जो आज लॉन्च किया गया था, ये फरवरी 2012 में लॉन्च किया गया था गल्फ रीजन की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। GBI केबल अब प्राइवेटली ओन है, ये गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल ने स्टेब्लिश किया था 2008 में। इसके अलावा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगभग किया जाता था, जब आप लोग इनिशियली देखने को मिलेगा यहाँ पर $445 मिलियन, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा भारतीय एयरटेल के बारे में याद रखेगा, जो गल्फ आप लोग देखते हैं जो गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल जो सबमरीन केबल है, इसकी जो लैग है वो इंडिया के पॉइंट जो इंडिया की साइड से है वो एयरटेल भारतीय एयरटेल को मिल गई है। मैप में मैंने आप लोगों को चीजें दिखाई दी है, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं,
देखिए नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, दोनों ही तरीके से, दूसरा वर्ल्ड लेवल पर कनेक्ट होने के लिए या फिर अपनी ही कंट्री की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अपनी ही कंट्री कनेक्टिविटी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये बहुत पतली सी जगह है जिसकी बेस पर हम लोग कनेक्ट रहते हैं भाई, कई कई बार हम लोग इधर से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके से हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार इससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर म्यांमार से कनेक्ट होकर चलते हैं, 40 स्टेट आते हैं, मिजोरम हो गया यहाँ पर, ये हो गया आप लोग देखने को मिला मणिपुर, ये हो गया नागालैंड और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश जो कि म्यांमार को टच करते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टेट यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन हो गया यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया, तो टोटल 8 स्टेट यहाँ पर आप लोगों के सामने नजर आ रहे हैं। ओके, अगर बात करें इनके पुराने जो नाम हुआ करते थे उनके बारे में देखते हैं, हिस्टोरिक अगर नेम देखें यहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर बोला करते थे अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है, ईटानगर कैपिटल देखने को मिलेगी, स्टेटहुड का दर्जा इसको दिया गया था 1987 में, पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। ओके, इसके बाद में हम लोग देखते हैं आसाम को, अलग अलग नाम है इनके जो पास्ट में नाम हुआ करते थे वे भी आप लोगों के सामने है यहाँ पर। आसाम का आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर प्रागज्योतिषा या फिर कामरूप आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा इसका नाम, और यहाँ पर कैपिटल शिलोंग टिल 1969 तक आप लोगों यहाँ पर दिसपुर भी नजर आती है, ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में याद रख सकते हैं। ओके, तो दोनों ही यहाँ पर कैपिटल थी पहले, आप लोग यहाँ पर थोड़ा इसके बारे में याद रखिएगा। स्टेटहुड का दर्जा कब दिया गया था, 1947 में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं खासकर कैपिटल की जब बात की जाती है यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर शिलोंग हुआ करती थी, अब यहाँ पर क्या हो गई है, अब हो गई है दिसपुर। ओके, तो यहाँ पर 1947 में इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। ओके, शिलोंग किसकी है वो अभी आप लोगों को आगे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट करते हैं मणिपुर की बात, मणिपुर का अगर आप लोग यहाँ पर हिस्टोरिकल नेम देखेंगे साथ साथ में आप लोग मैप भी यहाँ पर देखते रहिए, ठीक है ना, आप लोग देखते हैं ये हो गया यहाँ पर त्रिपुरा, ये हो गया आसाम, ये हो गया मेघालय, ये हो गया मिजोरम, ये हो गया मणिपुर, ये हो गया नागालैंड, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया सिक्किम। ओके, तो थोड़ा सा इसके बारे में साथ साथ में देखते रहिए मैप में भी। ओके, जैसे जैसे मैं नाम लेता रहता हूँ वैसे आप लोग मैप भी देखते रहा कीजिए। तो इसकी कैपिटल आप लोगों को नजर आएगी यहाँ पर कांगलीपिक, और यहाँ पर कैपिटल नहीं, सॉरी, जो हिस्टोरिकल नेम है, और कैपिटल नगर नजर आएगी यहाँ पर इम्फाल। ओके, इसका आप लोग देखने को मिलेगा, स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था 1971 में, इससे पहले ये यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। इसके बाद में बात करते हैं मेघालय की, मेघालय का नाम जो पुराना हुआ करता था ये है खासी, जयंतिया, और यहाँ पर आप लोगों को गायरो, ये सारी हिल हैं, ये भी डायरेक्ट पूछ ली जाती है आप लोगों से क्वेश्चन में, थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए, तो ये सारी हिल भी कई बार पिक्चर में आ जाती है। शिलोंग यहाँ पर आप लोगों को इसकी कैपिटल नजर आएगी जो कि पहले आसाम की हुआ करती थी, 1971 में स्टेटहुड का दर्जा इसको दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं मिजोरम की, मिजोरम आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, ये आप लोग देखते ही हो गए यहाँ पर मिजोरम, ठीक है, टच कौन कौन कर रहा है, त्रिपुरा कर रहा है यहाँ पर, मणिपुर कर रहा है और आसाम कर रहा है। मिजोरम की यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है लुसीहाय हिल, ये भी कई बार पूछ ली जाती है, ठीक है, इसकी यहाँ पर आप लोग कैपिटल नजर आएगी आइजोल। स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था 1987 में, और पहले एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था 1971 तक। ओके, यूनियन टेरिटरी के बारे में भी लेक्चर ले चुका हूं मैं, आप लोगों को पूरा डिटेल में बताया था यूनियन टेरिटरी क्या होती है, किस तरीके से उनको एडमिनिस्ट्रेटर किया जाता है, कौन वहां पर होता है, गवर्नर होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ये सारी बातें हम लोग पॉलिटिकल लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जिस किसी ने लेक्चर नहीं देखे सारे लेक्चर जाकर देख सकते हैं, वीडियो के नीचे सारे लेक्चर के पॉलिटिकल लिंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नागालैंड की, नागालैंड आप लोगों को देखने को मिलेगा पुराना नाम था इसका नागा हिल। ओके, कैपिटल हो गई इसकी कोहिमा, और जो इसके स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था, स्टेट बनाया गया था 1963 में। देखिए ये आप लोगों को हिल जो दे रखे हैं ना यहाँ पर, कई सारी हिल के नाम दे रखे हैं, तो डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में कि ये हिल कहाँ पर सिचुएटेड है, तो उस तरीके से भी आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। सिक्किम की बात करते हैं, सिक्किम का जो पुराना नाम है आप लोगों को देखने को मिलेगा सुखिम, सुखिम पुराना नाम है, कैपिटल गंगटोक नजर आएगी, और स्टेट बनाया गया था इसको 1975 इमरजेंसी के ड्यूरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं त्रिपुरा की, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो पुराना नाम है ये तिपपिहरा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, और कैपिटल आज के डेट में अगरतला, और इसके साथ में 1971 में आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टेट बनाया गया था, 1956 तक ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यूनियन टेरिटरी का दर्जा इसको दिया गया था। तो ये स्टेट है कुछ, आप लोग इसके बारे में थोड़ा फोकस देकर चला कीजिए। अरुणाचल प्रदेश देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से है, तो बाउंड्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार आ जाता है कि कौन कौन से यहाँ पर, ये आप लोग देखते हैं स्टेट यहाँ पर कौन कौन सा बाहर की कंट्री को टच कर रहा है, कौन सा चाइना को टच कर रहा है, कौन सा यहाँ पर भूटान को टच कर रहा है, कौन सा नेपाल को टच कर रहा है, तो ये सारी बातें थोड़ा थोड़ा आप लोग देखेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे और उसको ढंग से कोरिलेट भी कर पाएंगे, तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रखा कीजिए आप लोग। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सीरिया बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, तो इसकी वजह से ये इस तरीके बैंक भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये है द कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड, इसको बोलते हैं सीएसबी।
ये इंडिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये प्राइवेट सेक्टर का एक बैंक है, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा थ्रूरूर, थ्रूसूर यहाँ पर केरला में आप लोगों को नजर आएगा इंडिया में। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं, खासकर अगर कोई पॉइंट न्यूज में होता है तो। इसको आप लोग देखने को मिलेगा, ये इंडिया में काफी पुराने टाइम से है, आज का नहीं है। 26 नवंबर 1920 में इसको गठन किया गया था, तब तक तो हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, हमारे देश के आजाद होने से पहले यहाँ पर ये बैंक आप लोगों को नजर आएगा। ड्यूरिंग आप लोगों को देखने मिलेगा 2 डिकेड से जो फंक्शनिंग यहाँ पर चल रही है वो कहीं ना कहीं ओनली केरला में इसकी फंक्शनिंग रहेगी, आप लोगों को आसपास में कहीं नजर नहीं आता होगा। आज लगभग जो अब से लगभग 20 साल पुराने अगर टाइम पीरियड लिए, उससे पहले यहाँ पर कई जगह इसकी ब्रांचेज हुआ करती थी, पर लेकिन अब केरला तक ये सिक्योर्ड कर रह गया, ये आप लोग बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखते हैं कुछ यहाँ पर इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन है थोड़ी, आप लोगों को देखने को मिला बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराया जाता है, ये इस टाइम पर इसका गठन किया गया था, ये एड्रेस है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर TS अनंतरमन यहाँ पर आप लोग देखते हैं इसके चेयरमैन है, इतनी ज्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस चेयरमैन यहाँ पर याद रख सकते हैं आप लोग। ओके, आइए अब आगे चलते हैं, और लोकेशन जरूर याद रखिएगा क्योंकि केरला तक ही सिमट कर ये रह गया है। शाम को हमारी पॉलिटी खत्म होने वाली है, पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग शाम को, तो आप लोग देखते हैं शाम का आज का हमारा रिवीजन का लेक्चर है, ये है लेक्चर 85। ठीक है, यहाँ पर सीबीआई के बारे में आप लोगों को डिटेल डिस्कस की गई थी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे इसका गठन किया गया था, किस तरीके से वर्क करती है, कौन हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर है, किस तरीके से इसके जो मेंबर होते हैं उनका गठन किया जा सकता है, तो ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। ये लेक्चर का लिंक है, लिंक आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी मिल जाएगा, और वीडियो के नीचे भी सारे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर भी जाकर आप लोग लेक्चर को देख सकते हैं। कल था वुमेन डे, 8 मार्च को वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वुमेन डे स्पेशल आप लोगों के सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, तो ढंग से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं खासकर जब एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन की बात आती है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ 2018 इंटरनेशनल वुमेन डे के तौर पर, कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, नीचे का आंसर बताइएगा कौन सा प्लेटफॉर्म यहाँ पर है। सेकंड यहाँ पर है कि थीम क्या थी 2018 इंटरनेशनल वुमेन डे की, सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने अभी आप लोगों को देखने को मिला लॉ एंड जस्टिस में कंफर्म किया गया, जिसको नारी शक्ति पुरस्कार, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो तीनों यहां पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, ये वुमेन से रिलेटेड है, तो वुमेन डे के लिए डेडिकेटेड आप लोग बोल सकते हैं, पर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर बात की जा रही थी मिलन एक्साइज के बारे में, ये मिलन एक्साइज काफी न्यूज में थी, किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया था म्यांमार ने, म्यांमार में इमरजेंसी लगी हुई है इसकी वजह से पार्टिसिपेट नहीं किया था। इंडिया में दी आप लोगों को देखने को मिलती है, किस एरिया में होती है, ये अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में होती है, तो मैंने आप लोगों से पूछा था इसके बारे में कि ये जो कमांड किस कमांड के द्वारा यहाँ पर ये कराई जाती है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में, ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों से यहाँ पर कि फिनटेक स्पेस के बारे में आप लोगों से कल डिस्कस किया था, इसके लिए कौन सी कमेटी सेटअप की गई थी, तो ये सुभाष चंद्र गर्ग के कमेटी के अंदर में अध्यक्षता में यहाँ पर कमेटी सेटअप की गई थी, जो कि देखेगी किस तरीके से हम लोग इसमें आगे बढ़ सकते हैं इस एरिया में। नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर खुशी, ये एक गर्ल्स स्कीम चलाई गई है जिसके तहत फ्री सैनिटरी नैपकिन यहाँ पर गर्ल्स को बांटे जाएंगे, तो कौन से स्टेट में ये स्टार्ट की गई थी, ये उड़ीसा में स्टार्ट की गई है, ठीक है, तो उड़ीसा आप लोग याद रख सकते हैं, थोड़ा जब भी किसी स्टेट का नाम आया करे इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा उसको मैप में निहार ले कीजिए, जैसे उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया यहाँ पर, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है ना, आप लोग देखते हैं यहाँ पर तेलंगाना हो गया, यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो गया, तो इस तरीके से जो भी स्टेट आते हैं ये हम लोगों ने देख लिया, थोड़ा इस पर भी आप लोग नजर डाल लिया कीजिए। ओके, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं खासकर अगर कोई इस तरीके की स्कीम स्टार्ट की जाती है तो। तो जो स्कीम यहाँ पर इंप्लीमेंट की जाएगी 6 से 12 क्लास की लड़कियों को यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे, और लगभग स्टेट गवर्नमेंट को माना जा रहा है यहाँ पर 70 करोड़ रुपए यहाँ पर इनका खर्च होगा पर एनम इसके लिए। एक बार को देखिए स्कीम की कॉस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये जरूर याद रखिए कितनी क्लास से कितनी क्लास के लिए इंप्लीमेंट की गई है, इस तरीके क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। ओके, आइए ओवरव्यू ले लेते हैं, आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट हम लोगों ने देखा इंडिया के इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जाना, थोड़ा सा यहाँ पर किस तरीके से हमारी कंट्री में कितने वेजिटेरियन लोग रहते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को देखने को मिला एनिमल वेलफेयर बोर्ड के बारे में, इसका हेडक्वार्टर अब ट्रांसफर कर दिया गया, पहले हुआ करता था चेन्नई में, अब आज के डेट में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला है बल्लभगढ़ हरियाणा में। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला, हम लोगों ने डिस्कस किया इम्प्रिंट सेकंड के बारे में, तो थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में आप लोगों को होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया यूरोपियन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के बारे में, इसमें हम 69th मेंबर के रूप में ऐड हो गए हैं। इसके अलावा आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर देखने को मिलेगा सुखद यात्रा ऐप, तो सुखद यात्रा ऐप के भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इसकी काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर में आता है, और इसके अलावा एक्सीडेंट वगैरह गड्ढे वगैरह या रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। फास्ट टैग के बारे में भी हम लोगों ने जाना, ये क्या है, पिक्चर के तहत हम लोगों ने इसको समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा, यहाँ पर हम लोगों ने देखा GBI जिसको बोला जाता है गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल, इसके तहत यहाँ पर भारतीय एयरटेल
डिटेल को आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडिया का जो विंग है यहाँ पर, इसको यहाँ पर पूरा इसको ओनरशिप मिल गई है, जिसके तहत यहाँ पर अब नेटवर्क का एरिया काफी बढ़ जाएगा और हमने इसको मैप में भी निहारने की कोशिश की। नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पर देखा ACI या फिर ASQ, इसको बोलते हैं यहाँ पर एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल या फिर एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी। तो इंडिया की रैंक हम लोगों ने जाती इंडिया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में और छत्रपति शिवाजी के बारे में, तो थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट आप लोगों को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, हिस्टोरी का नाम क्या था, कैपिटल क्या है, कब स्टेटहुड का दर्जा दिया गया और मैप में भी हम लोगों ने इसको निहारा। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा यहाँ पर सीरियन कैथोलिक, जो कैथोलिक सीरियन बैंक है इसके बारे में हम लोगों ने जाना, केरला तक सिमट कर रह गया, थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। रिवीजन का क्वेश्चन आप लोगों का ये है, इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा जाकर। इसके अलावा आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है वो सारे वुमेन से रिलेटेड है, आज की डेट में क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। और नेक्स्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछते हैं, इनके आंसर और क्वेश्चन जो आप लोग पूछते हैं वो पूछते रहिए, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रखते हैं, जब पढ़ता हूं तो मजा आ जाता है मेरा पढ़ के। तो आप लोग भी पढ़ा कीजिए, जो खुद का क्वेश्चन पोस्ट करें खुद पढ़ा भी कीजिए, काफी फायदा आप लोगों को होने वाला है। और बताइए कितने आप लोग मार्क्स यहाँ पर मिल पा रहे हैं 3 में से नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपने आसपास सफाई रखिए, पेड़ पौधों को सेव कीजिए और इसके अलावा प्लास्टिक वगैरह या फिर पॉलिथीन वगैरह कम से कम यूज कीजिए या फिर बिल्कुल यूज नहीं करनी है। जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दिया कीजिए, बस इतना ही आप लोग कर सकते हैं जो काफी हमारी सोसाइटी में फायदा पहुंचा सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।